हेलो एवरीवन, मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य कंपटीशन क्लास में आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हम आज पढ़ने जा रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सेकंड क्लास है आपकी। पहली क्लास में बेटा हमने क्या सीखा था, क्या कन्वर्जन की, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आज हम सीखेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में आप जितना सीखेंगे, इसके बाद आने वाली क्लासेस में आपको कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ही हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बस हमें अब आगे की क्लासेस में सिर्फ उनके क्वेश्चंस को उनकी मेरिट पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो बड़ा लास्ट क्लास की एक हल्की सी हम रिवाइज कर लेते हैं क्या, कि हमने आपको बताया था कि एक किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों में एक गलती हो जाती है उनसे, वो ये कि बेटा जल्दबाजी में किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वो 5/18 का गुणा करें या 18/5 का, या तो वो 1-2 सेकंड का पॉज लेते हैं या फिर वो गलती कर देते हैं। और गलती आपसे पेपर करवाता है किस लेवल पर बेटा, वो आपको ऐसी ही डिजिट दे देगा जैसे आपको दे दिया क्या 36 की डिजिट, और आपको कन्वर्ट करना था उसको क्या किलोमीटर पर आर था, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना था। मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आर दे दिया गया और मीटर पर सेकंड में आपको इसको कन्वर्ट करने को दे दिया जाए, तब आप क्या करते हैं, अब आपको लगता है कि 36 ये तो 18 से ही कटेगा, तो आपने 5/18 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर पेपर ये चीज़ आपको 36 मीटर पर सेकंड कर दें, हालांकि मैंने आपको बताया था 36 मीटर पर सेकंड आप एक झटके में निकाल सकते हैं। ठीक है, 5×7=35, 18×7 जैसा भी आपको सिखाया गया था लास्ट वीडियो, फिर वही बात है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो बेटा पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये मतलब नहीं समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। 36 मीटर पर सेकंड को वहाँ पर भी आप इसे किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, 5/18। क्यों? क्योंकि मन कह रहा है आपका कि अरे ये तो 36 से 18 से कट जाएगा, तो बेसिक इंस्टिंक्ट आपकी काम करती है, यार इसमें 5/18 कर दो, ये हो जाता है अक्सर गलत। ठीक है, तो उसके लिए कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, बिल्कुल छोटी सी बात समझनी होती है क्या, कि अगर किलोमीटर पर आर लिखा हुआ है आपके सामने तो मीटर पर सेकंड के कंपैरिजन में ये छोटा होगा कि बड़ा, सभी को पता है बेटा किलोमीटर मीटर से क्या होता है, बड़ा होता है, तो किलोमीटर पर आर मीटर पर सेकंड से बड़ा हुआ। अगर इसी का हम वाइस वर्सा लिख दें कि मीटर पर सेकंड का क्या रिलेशन होगा, सॉरी, तो लेस देन का साइन लगेगा क्या किलोमीटर पर आर में। सेम सिनेरियो है बेटा इसी बात का, कि जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर बढ़ रहे हैं, तो जब आपको ज़्यादा की डिजिट चाहिए होगी तो हम इन दोनों में कौन बड़ा है, सभी को पता है बेटा 18/5 आपका क्या है, बड़ा है 5/18 से, इतना नंबर सिस्टम तो आपने पढ़ ही रखा होगा उम्मीद करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर आप कम से ज़्यादा की ओर बढ़ेंगे तो हमेशा ज़्यादा का गुणा करिए, यानी 18/5। ठीक है, हालांकि हमने लास्ट वीडियो में 18/5 को भी शॉर्ट करके आपको सिखाया है कि कैसे करना, और आपको पेपर में उसी की मदद लेनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, कहीं कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी जब वो ज़्यादा बड़ी डिजिट पूछ लेगा तब। ठीक है, उसी प्रकार अगर किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड यानी कम की ओर आप जा रहे हैं, यानी आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड कम की ओर जा रहे हैं, तो आप कम से गुणा करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ध्यान रखिएगा। और ये आया कहाँ से, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, आज नहीं करेंगे, वीडियो देखिए पहले। ठीक है, दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है बेटा कि वो हमारे रिश्तेदार हों, वो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में ना कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर मिनट में भी कह सकते हैं। कुछ सवाल आपको मिलेंगे ऐसे, तो वहाँ पे अरे यार बहुत दिक्कत हो जाती है, और कुछ बच्चे तो इतनी स्पीड में होते हैं कि वो मिनट मिनट देखते ही नहीं, किलोमीटर देखा और मीटर देखा, लो 5/18 और 18/5। ऐसा नहीं करना है बेटा, जब भी वो मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने को कहेंगे तो किससे गुणा करेंगे आप, आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 किलोमीटर को अगर कन्वर्ट करोगे तो 1000 से गुणा करोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। उसी प्रकार बच्चे घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 60, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 50/3। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किलोमीटर पर आर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 50/3 का। ये सिर्फ क्वेश्चन को जल्दी करने के अप्रोचेस हैं और कुछ भी नहीं, वरना आप चाहें तो इत्मीनान से 1000/60 लिख करके भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा जब आप छोटे छोटे सवालों में अपने नैनो सेकंड बचाएंगे तभी आप पूरा पेपर टच कर पाएंगे। सबसे बड़ी आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ पाएँ, वरना आप 80 करके आएँ 15 क्वेश्चन आप पढ़ ही नहीं पाए, 500 बीच में आपको आए नहीं मान लेते हैं, लेकिन आगे के आपने क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार बेटा अगर इसका वाइस वर्सा कन्वर्ट करना होगा तो आपको किसका गुणा करना होगा, 3/50 का। क्लियर है बात, किलोमीटर पर आर से मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 50/3,
मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 3/50, ठीक है, वो छोटी सी बातें आपको पहले से पता होंगी, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। अब दूसरी बात हमने कही थी, एक क्विक अप्रोच में अगर आपको समझाना चाहें तो अगर जब भी आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ाया टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, तो एक ही फॉर्मूला होता है, इसको आप तीन तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहे टाइम को पकड़ लें, डिस्टेंस को पकड़ लें या स्पीड को पकड़ लें। देखिए डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब इसी में मैं स्पीड को पकड़ के चलूँ तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और अगर मैं टाइम को ले लूँ तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये एक ही फॉर्मूला है जिसके तीन रूप हमने आज तक याद किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको पेपर में किस किस के अकॉर्डिंग क्या करना होगा। बेटा दो तीन चीज़ें आपको दी जाएंगी, इसमें से एक कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। तीन चीज़ें आपको दी जाएंगी, उसमें से आपकी एक हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, और ये आपको पेपर में यानी कि आपके क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं हो बेटा कि मेंशन करके ही आ जाए कि ये चीज़ कांस्टेंट है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, उसकी मेरिट उसको अकॉर्डिंग उसको समझना होगा। किसी में तो लिखा होगा कि भाई दोनों समान दूरी तय करते हैं, कुछ क्वेश्चन में बात लिखी नहीं होती, आपको पढ़ के समझना होता है, और इसी को आपका नॉलेज कहते हैं, इसी को आपकी प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये बातें आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको पहले से ही पता था, एक बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको बताई। आइए देखते हैं, क्या है बेटा, समय। सबसे पहले इसको ले लेते हैं, समय बराबर, क्योंकि इस पे बेस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाप, इसका मतलब एक बेसिक सी बात है कि बेटा जैसे जैसे आप अपनी चाल को बढ़ाते जाएंगे आपका समय क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, टाइम इज़ एंटी प्रोपोर्शन टू क्या है, स्पीड के। तो अगर आपको अपनी स्पीड, जैसे भाई सीधी सी बात है, आपको अपने कॉलेज से घर जाना है मान लीजिए, तो डिस्टेंस तो आपके सेम ही है, तो लेकिन अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, आज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे, आज 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, जैसे जैसे आप अपनी टाइम स्पीड को बढ़ाते जाएंगे आपका टाइम बेटा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कह सकते हैं टाइम क्या है, स्पीड के प्रोपोर्शन में है, एंटी प्रोपोर्शन में है, बट आपकी यहाँ पे मैंने क्या बोला, कॉलेज से घर की दूरी। अब बेटा आज ऐसा तो है नहीं कि आज कॉलेज तुम्हारे घर से 15 किलोमीटर दूर था, कल थोड़ा घर खिसक गया या कॉलेज खिसक गया, बेटा डिस्टेंस यहाँ पे आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस आपकी क्या है, कांस्टेंट होगी, या इसको कह दें सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी क्या है, सेम होगी इस जगह पर। आप जब भी आपको सवाल दिया जाए उसमें से अगर आपकी डिस्टेंस सेम कर दी जाएगी तो आपका टाइम आपकी स्पीड के क्या होगा, एंटी प्रोपोर्शन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इसको सिंपल भाषा में कह दें तो बेटा ये आपका घर है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, और ये आपका कॉलेज है, कॉलेज बेटा घर जैसा ही बना देते हैं, ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। डैट मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, फिक्स हो गई, यानी कि डिस्टेंस आपकी क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम बेटा डी से डिनोट करेंगे। तो अगर आज आपकी चाल S1 थी तो आपको समय कितना लगा मान लीजिए T1, यहाँ से यहाँ तक जाने में, और बेटा उसी प्रकार वहाँ से वहाँ तक आने में आपकी चाल क्या थी, अगर S2 थी तो क्या आपको लगता है कि आपका समय समान लगेगा T1? नहीं बेटा, ऑब्वियस सी बात है, समय आपको कुछ और ही लगेगा, यानी T2। अब चूंकि डिस्टेंस सेम थी तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यानी S1 T1 D1, नहीं बेटा D ही लेंगे, और यहाँ पर भी आपकी दूरी D है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, S2 T2। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, और चूंकि आपने कक्षा 8 में बहुत बार ये सब किया होगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर करने पर आपके सामने क्या आएगा, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। तो S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 अपॉन में T1। ये तो मैथमेटिकल टर्म में मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि क्या, अगर डिस्टेंस सेम है तो आपकी जो चाल का अनुपात होगा उसमें लिए गए समय के अनुपात का जस्ट ऑपोजिट होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, एंटी प्रोपोर्शन होगा, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसको आपको बेसिक भाषा में भी समझना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम हर सवाल में ये सब सोचें और लिखें, कुछ सवालों में लिखना पड़ेगा, मजबूरी हो जाए, कुछ आपको वर्बली निकालने हैं, क्यों, क्योंकि आपको उसको थ्योरी भी अपने माइंड में रखिए कि अगर बेटा डिस्टेंस सेम है
तो समय उसके स्पीड के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और जरूरी नहीं है कि पेपर में आपको ये लिख करके ही दे दे, एग्जैक्ट लाइन नहीं लिख के आएगी कि डिस्टेंस समान है, वो दो जगहों की दूरी दे देगा। वो आपको ऐसा सवाल भी दे सकता है जिसमें एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल गया और स्कूल से फिर घर वापस आया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझना होगा कि उसमें आपकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया, डिस्टेंस सेम। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें जिसमें हम टाइम सेम कर दें, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल पेपर पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका बेटा क्या कर दिया जाए, टाइम सेम कर दिया जाए, तो अब मैं बार बार ये कहूँ तो लिखो नहीं, तो आप खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर बेटा टाइम सेम होगा तो ऑब्वियस सी बात है दूरी और स्पीड चेंज होगी। अगर टाइम सेम हो जाए, जैसे मैं इसी की बात कर दूं, अगर यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दे दी जाए कि दो लोग, मान लीजिए अब यहाँ पे जगह हटा देते हैं, ये आपका घर है, इसमें आप भी हैं और आपका भाई भी है, दोनों सेम चाल से चलना स्टार्ट करते, सॉरी सेम टाइम पर, एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ट्रेन 8 बजे चलना शुरू की, 9 बजे चलना शुरू की, उसमें आपको एक लाइन लिखी होगी कि दोनों एक समय पर चलना स्टार्ट करते हैं। चाहे वो चोर पुलिस का ही सवाल क्यों ना हो, कि चोर जब पुलिस वाले को देखता है तो भागना शुरू करता है, तो ऐसा थोड़ी कि पुलिस वाला कहता नहीं भैया भाग लो, थोड़ा देर हम आराम करके दौड़ेंगे, नहीं, दोनों साथ में ही दौड़ना शुरू करेंगे। और नहीं दौड़ते तो ये आपका फ़र्ज़ है टाइम सेम करना, वो बात की बात हम आगे जाके समझेंगे। लेकिन जब भी आपका क्वेश्चन ये बात लिख करके देता है कि दोनों व्यक्ति एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि इसमें इनका टाइम क्या है, बेटा सेम है। और जैसे ही आपका टाइम सेम होगा, आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो में क्या रिलेशन होगी। ये देखते हैं क्या हो सकता है कि दो व्यक्ति, मान लीजिए 9 बजे चलना शुरू किए अपने घर से, ठीक है, 9 बजे चलना शुरू किए, और एक की चाल बेटा S1 थी और एक की चाल S2 थी, ये तुम थे और ये तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारी टांगे लंबी, तुम्हारे छोटे भाई के पैर छोटे, तो दोनों की चाल बेटा क्या है, ऑब्वियस सी बात है अलग अलग ही होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों 9 बजे चलना शुरू किए और दोनों बंदों की चाल अलग अलग है, तो उनके द्वारा जो कवर्ड डिस्टेंस होगी क्या वो सेम हो सकती है, पॉसिबल है? खुद से सोचिए, थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान लगाइए कि एक व्यक्ति एक ही समय पर दोनों चलना शुरू करें, जैसे मान लो रेस हो रही है, सीटी बजी, सब दौड़ना शुरू कर दिए, तो अगर उनकी चाल, बेटा सबके सभी धावकों की स्पीड क्या होती है अलग अलग, आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना ही होगा, तो अगर उसेन बोल्ट हो गया और बाकी जितने भी रनर हैं वहाँ पे, उन सबकी चाल अलग अलग है, तो क्या वो सेम डिस्टेंस तय करेंगे? ऑब्वियस सी बात है बेटा नहीं, वरना कभी उसेन बोल्ट जीतते ही ना, सारे के सारे रनर जीत जाते, ऐसा नहीं होता। तो इनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस भी बेटा अलग अलग हो जाएगी, ये D1 हो जाएगी और ये D2। तो इसी फॉर्मूले में अगर रख देते हैं, वो मैं यहाँ रख देता हूँ, कि अगर इसको D1 और S1 कर लें, या इधर सॉल्व कर लिया जाता है, चलो कोई बात नहीं, मान लो T समय लगा, 9 बजे चले और 10 बजे तक कहीं ना कहीं दोनों पहुँच गए, मान लो घड़ी में 10 बज गया है AM ही, तो समय आपका क्या है 1 घंटे का, यानी सेम है। तो पहले वाले का समय हो जाएगा D1/S1 और दूसरे वाले का हो जाएगा बेटा क्या D2/S2। अब फिर वही बात, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वल करने पर, बेटा जब इक्वल करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, D1/S1 = D2/S2। अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा D1/D2 = S1/S2। ये आपका एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, क्या कि जब भी सवाल में आपको दिया जाएगा कि समय समान है, फिर मैं बोल रहा हूँ बेटा ये सवाल में लिखा नहीं होगा कि इन दोनों के द्वारा लिया गया समय इक्वल है। आपको क्वेश्चन पढ़ के उसकी मेरिट समझ करके खुद ही क्वेश्चन पढ़ते हुए ये बात समझ जाना है कि इसमें इक्वल क्या है, क्योंकि आज के बाद जब भी आप इसका कोई सवाल लगाएंगे अपने मन से सिर्फ एक प्रश्न पूछेंगे बेटा, चाहे कोई भी सवाल हो, ट्रेन आपकी आई, आपस में दोनों मिली और फिर दोनों एक दूसरे के गंतव्य पर पहुंची, चाहे बम ब्लास्ट वाले सवाल हों, चाहे गोली दागने वाले सवाल हों, किसी भी तरीके का सवाल हो, वो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे हल हो जाएंगे। तीसरे कॉन्सेप्ट की भी मैंने बात नहीं की, भी आएंगे उसके ऊपर। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखना ही नहीं है, क्या कि बेटा जिस सवाल में डिस्टेंस सेम होगी उसमें समय उसका क्या होगा, स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूसरी बात अगर करें, अगर उसमें टाइम सेम हो जाएगा तो बेटा जो डिस्टेंस है वो स्पीड के प्रोपोर्शन में होगी। पूरा लिख दे रहा हूँ, स्पीड, डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शन में होगी, यानी फिर समझ लो बेटा, अगर आप समान समय में दौड़ेंगे तो जितनी ज़्यादा तेजी में चलोगे उतनी ज़्यादा दूरी तय होगी, जितना धीमे चलोगे उतनी कम दूरी तय होगी, यानी जिस रेशियो में स्पीड कम होगी उसी रेशियो में दूरी
कम होगी। जिस रेशियो में बेटा स्पीड बढ़ेगी उस रेशियो में स्पीड भी बढ़ेगी। तो इसको क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस उसकी चाल यानी कि उसकी गति यानी उसकी स्पीड के प्रपोर्शन में है, उसके अनुक्रमानुपात में है। उसी प्रकार इसमें जस्ट ऑपोजिट होता है। तो अगर उसको फॉर्मूले बेस में समझें, यहाँ पर लिखते चलते हैं हम लोग कि इसका फॉर्मूला क्या बनाया था, यहाँ पर लिखा था यानी एस वन अपॉन में एस टू इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ सिर्फ इस बात पे बेटा डिपेंड मत हो जाइएगा वरना मज़ा नहीं आएगा। आपको हर रास्ते पता होने चाहिए, आपको ये बात भी पता हो, ये भी पता हो, इसके अंदर की जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से समझिए। सिर्फ ये नहीं रख लेना अरे डिस्टेंस सेम है, एस वन अपॉन में एस टू बराबर टी टू अपॉन में टी वन, नहीं होंगे सवाल, होंगे 100 में 90 कर लोगे, लेकिन 10 वही सवाल जो आप पेपर में गलत करने वाले हैं इन परसेंटेज आप क्या करेंगे, गलत करेंगे और उसी में आपकी मेरिट बेकार हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार बेटा जब डिस्टेंस स्पीड के प्रपोर्शन में होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या बना है, डी वन अपॉन में डी टू, इधर लिख दे रहे हैं डी वन अपॉन में डी टू इज इक्वल टू एस वन अपॉन में एस टू। इसको थ्योरी में कहेंगे कि यदि समय समान दिया गया है तो दूरी और चाल का अनुपात सेम होगा, यानी कि जिस अनुपात में दूरी बढ़ेगी उसी रेशो में आपका चाल भी बढ़ेगी, और अगर आपकी डिस्टेंस सेम दे दी जाएगी तो जिस अनुपात में आपकी गति बढ़ती जाएगी उसी अनुपात में आपका समय घटता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने एक बार बेटा डिस्टेंस को सेम कर दिया, एक बार टाइम को सेम कर दिया, अब बात करते हैं बेटा स्पीड को सेम करने की। इसको आखिर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना के बराबर क्या आते ही नहीं है। जब आपकी स्पीड सेम हो जाएगी, CDF में तो पूछ भी लेते हैं, SSC में बेटा इस पर रिलेटेड क्वेश्चन ना के बराबर पूछे गए हैं आज तक, लेकिन फिर वही बात कि जो आज तक नहीं पूछा गया है उसके चांसेस ज़्यादा हैं पूछे जाने के, तभी तो कहते हैं अरे यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपकी स्पीड सेम होगी उसमें सीधा सीधा दिया गया होगा, एक राम है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं और एक श्याम है वो भी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, यानी कि जब दोनों बंदे समान चाल से, वो तो लिखा ही होगा आपके पास, दो व्यक्तियों की चाल, दो ट्रेन की चाल, दो चिड़ियों के उड़ने की चाल, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी जब भी चाल सेम दे दी जाएगी तब क्या होगा, आइए देखते हैं। तो अगर ये पोर्शन बेटा रब कर देते हैं वरना लिखने की जगह नहीं है। ठीक है, अब चूंकि ये वीडियो है तो अपना पॉज करके अपना डेटा नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी जब भी आपको ये तीसरा कॉन्सेप्ट बेटा दे दिया जाए कि आपकी क्या है स्पीड सेम है, तब आप क्या करेंगे, पहले हम इसी फॉर्मूले को स्पीड के रूप में फॉर्म कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, भाई ये उधर चलेगा ये इधर चलेगा। तो यानी अगर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये हो गए और एक व्यक्ति ये हो गए, दोनों की चाल बेटा क्या है S है, मान लो S मतलब 4, 5, 6 कुछ भी मान लो, दोनों की चाल अगर सेम है, अब मुझे बताइए दोनों के द्वारा तय की गई दूरी अगर अलग अलग होगी तो क्या उनको समय एक लग सकता है। मतलब तुम और तुम्हारा भाई दोनों 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ें, तो अगर एक भाई ने 10 किलोमीटर दूरी तय करी और दूसरे भाई ने 5 किलोमीटर दूरी तय करी तो क्या उनके द्वारा लिया गया समय बराबर हो सकता है, हाँ या ना। ऑब्वियसली बात है बेटा असंभव है, आपका समय इक्वल नहीं होगा, यानी कि D1 D2 जैसे ही दूरी चेंज हो जाएगी उन बंदों के द्वारा लिया गया समय भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हो जाएगा चेंज। तो वही सेम फॉर्मूला D1 अपॉन में T1, और अगर स्पीड दूसरे वाले भाई के ले लें तो D2 अपॉन में T2। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा, एक इक्वेशन यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से, दोनों को हमने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया। तो उस प्रकार आप देखेंगे D1 अपॉन में D2 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2, यानी जब भी बेटा आपकी स्पीड सेम होगी तो सेम सिनेरियो है आपका कि डिस्टेंस और उसकी द्वारा लिए गए समय में समान अनुपात होगा, जैसा कि यहाँ पे था। जब आपका टाइम सेम था तो दूरी का अनुपात और चाल का अनुपात क्या है, आपस में बराबर। उसी प्रकार जब आपकी स्पीड सेम होगी तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो उनके द्वारा लिए गए समय के रेशियो के बराबर होगा। बट इसके ऊपर क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलेंगे, 1-2 इससे ज़्यादा नहीं। जो सबसे ज़्यादा पूछे वाला पॉइंट है वो ये है फर्स्ट नंबर पर और ये है दूसरे नंबर पर। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसके सवाल लगाना शुरू करेंगे तो आप एक बार देखिएगा, चाहे कोई भी सवाल हो, आपने जितने भी फॉर्मूले रट रखे हैं, आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा क्या, S1 अपॉन में S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन में T1। तो बेटा इसको सबको याद करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि मैं बता दूंगा कि ये कहां से आया क्यों आया, लेकिन अगर आपको बस ये तीन चीज़ें पता हैं तो जितना समय इसमें लगना है उतना ही समय इसमें भी लगना है। क्यों, इस सवाल में भी आपका क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस सेम कर देंगे, टाइम सेम कर देंगे, जो भी सवाल हो। ये वही वाला सवाल होता था कि दो व्यक्ति आए आपस में मिले और मिलने के बाद वापस अपने सॉरी एक दूसरे के प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच गए, या जा कहें तो एक दूसरे के डेस्टिनेशन पर अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। उस सवाल का ये फॉर्मूला होता था। लेकिन अगर आपको ये नहीं भी याद है, ये क्या, मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूं, इसके अंदर आपने जितने भी फॉर्मूले याद किए हैं किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये दो बातें, तीसरी भी छोड़ दो, अगर आपको सिर्फ ये दो चीज़ें पता हैं। इससे ज़्यादा आपको सीखने की टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ज़रूरत नहीं। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जब आप इसके दम पे ना लगा पाएं। फिर से बोल रहा हूँ क्या, जब बेटा आपको डिस्टेंस सेम दी जाएगी तो समय, थ्योरी भी ध्यान रखिएगा, केवल T1 S1 नहीं रट लेना है। जब आपकी दूरी समान होगी तो जो समय है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इंग्लिश में टाइम इज एंटी प्रपोर्शन टू स्पीड, व्यवहारिक भाषा में बोलें तो जिस अनुपात में समय घटेगा उस अनुपात में चाल बढ़ेगी। उसी प्रकार जब आपका बेटा साइन सेम हो जाएगा तब आपको ध्यान रखना है कि जिस अनुपात में दूरी बढ़ेगी उसी अनुपात में चाल भी आपकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्पीड बिल्कुल सेम है, वहाँ पे स्पीड सेम हो गई तो स्पीड की जगह पे टाइम आ जाएगा, यानी कि जो दूरी का अनुपात होगा वही बेटा क्या हो जाएगा, समय का अनुपात होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और पूरा जितने भी लेक्चर हमारे होंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के, बस हमको इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बात और इसमें सीख ली जाए, क्या रिलेटेड स्पीड का कॉन्सेप्ट। बेटा जब हम ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद, तब हम ये भी सीखेंगे कि किसमें कौन व्यक्ति बैठा है, क्या करना है, वो सब मैं भी नहीं सिखा रहा हूँ, अभी बेसिक रिलेटेड स्पीड, यानी कि जब आपके डायरेक्शन बेटा क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। कभी बेटा बाइक चलाइए, सामने से कार आ रही हो तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना, आप ऐसे जा रहे हैं और ब्रेक लगाने में धड़कन नहीं बढ़ती, लेकिन अगर कोई ऑपोजिट साइड में आ रहा है तो धड़कन बढ़ जाती है। अरे लड़े क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि बेटा आपको धड़कन इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपको अपनी बाइक की स्पीड पे कंट्रोल है। आप 60 पे जा रहे हैं तो आप जानते हैं सामने वाला रुकेगा, आप ऐसे चल रहे हैं और आपके आगे गाड़ी चल रही है, आप जानते हैं जब वो रुकेगा तो आप भी रोक देंगे, ठीक है। लेकिन परेशानी यहाँ पे आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती, हार्ट बीट बेटा यहाँ पे बढ़ती है जब ऐसे हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी स्पीड पे तो कंट्रोल कर पा रहे हैं, सामने वाले की स्पीड पे थोड़ी कंट्रोल है कि मान लो तुम्हें तो हिम्मत है कि तुम ब्रेक मार के रोक लोगे वहाँ तक, वो ना चढ़ाते हुए चढ़ाए तुम्हारे ऊपर, तुमने तो रोक ली, खड़े खड़े बेटा तुम्हारा राम नाम सत्य कर जाए, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दिल एकदम धक से हो जाता है, तुम्हारा नहीं हुआ तो अच्छी बात है, यानी रूल पालन कर तो मेरा हो चुका है एक बार। तो हार्ट बीट बढ़ने का कारण ही आपका यही है कि जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे होते हैं तो आपकी जो स्पीड होगी बेटा वो हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन बेटा ऐसा भी हो सकता है, यानी कि जब वो दोनों एक ही पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलें, एक दो क्वेश्चन आते हैं आप यही वाला समझते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है जब दो बंदे एक जगह पर खड़े हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में चलते हैं, तो हम लोग समझते हैं क्या विपरीत दिशाओं का मतलब दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा, एक जगह से खड़े होकर चलेंगे तो ऐसे, लेकिन तब भी उनकी चाल आपस में क्या होगी, जुड़ेगी ही जुड़ेगी, क्योंकि वो दूरी जाने में सवाल आएगा तब करेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसी को बोलते हैं बेटा क्या, रिलेटेड स्पीड, हिंदी में बोले तो सापेक्ष गति, है ना। तो जब भी आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, चाहे वो ट्रेन हो चाहे व्यक्ति हो, लेकिन एक बात और, आपका जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी आप जिस पे गतिमान हैं उसमें आपका जो सरफेस, अब जमीन अगर चलने लगेगी तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी जब हम बोट स्ट्रीम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस का थर्ड पोर्शन, उसमें आपका जो सरफेस है बेटा वो भी क्या है, मूवेबल है, तो वहाँ पे इशू आ जाता है। ध्यान रखिएगा आपका सरफेस हमेशा क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, यानी ज़मीन पे चलना चाहिए, है ना, सीधी सी बात है। तो अगर आप ज़मीन पे चल रहे हैं और आपकी स्पीड ऑपोजिट है तो बेटा हमेशा प्लस, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो आपकी रिलेटेड स्पीड हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें पहले से ही पता हों, क्लियर है बात। आपकी स्पीड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बेटा प्लस कर देना, और आपकी रिलेटेड स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये इसकी एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आपको ये भी बता दिया है, और एक चीज़ ये सबको पता है, लिख देते हैं बेटा क्या, हिंदी में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये तो सबको मालूम ही होगा बेटा, किलोमीटर
हेक्टोमीटर, डेकामीटर। अब चूंकि डिस्टेंस की बात है तो बेटा ये सब आपको आना चाहिए, मीटर। और मीटर के बाद सही शुरू हो जाता है क्या, डेसी, डेसीमीटर। फिर क्या आता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और आपको अपना तरीका याद होगा बचपन में जो टीचर ने सिखाया था उसी का यूज़ करेंगे। मीटर, डेसी, सेंटीमिली और भी होते हैं, नैनो पैनो, है ना, उससे हमें मतलब नहीं, हमारा इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसी, सेंटीमिली, सब हमने कैसे सीखा था, अपनी फिंगर पे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और उसमें 10-10 का गुणा करते जाएंगे। यानी अगर इसकी इससे रिलेशन पूछी जाएगी तो ये उसका क्या हो जाएगा, 10 गुना। अगर कहें तो एक किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, बेटा 10। उसी प्रकार डेका में जाओगे तो हेक्टो से डेका में जाओगे तो 10 का मल्टीप्लाई, डेका से मीटर में 10 का, मीटर से डेसीमीटर में 10 का। यानी अगर आप इसको इस ऑर्डर को याद कर लेंगे तो अपनी फिंगर काउंट करोगे, जितना गैप उतने जीरो बढ़ाते जाओ, एक का गैप तो एक जीरो, दो का गैप तो दो जीरो, और बेटा अगर तीन का गैप तो तीन जीरो का गुणा, तीन जीरो मतलब 1000, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो देखो मीटर, डेसी, सेंटी, आप दो गैप पे छोड़ के गए हैं तो आप किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ये सब आपको बचपन में सिखा दिया गया। और इसी का अगर उल्टा कर दोगे तो बेटा 100 नहीं 1/100 हो जाएगा, है ना। अगर आप इसी चीज़ को कन्वर्ट कर दोगे, उलट मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलने लगोगे तो क्या कर देंगे हम, 1/100 कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सब पता होगा। ऐसे हम पूछ ही लें, अगर एक डेसीमीटर की बात करें, एक डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, तो आप ऊपर जा रहे हैं, ये 10 और ये 100, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/100 कर देंगे, बस सिंपल सी बात। 1/100 मतलब इसमें आप 1/100 का गुणा करेंगे तो 1/100 ही आएगा, एक की बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्लियर है, हमें मोटी मोटी बस दो ही बातों का ध्यान रखना है, दो नहीं तीन, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन बेटा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। टाइम और डिस्टेंस, टाइम सेम होगा तब क्या होना है, डिस्टेंस सेम होगी तब क्या होना है, फिर से बात करते हैं। डिस्टेंस सेम है तो टाइम स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती है, एंटी प्रोपोर्शन है। और अगर आपका टाइम सेम हो गया तो आपके डिस्टेंस स्पीड के क्या है, प्रपोर्शन में है, बस इससे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम सीधे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज, जैसे तो आपके मंकी रिलेटेड क्वेश्चन हो गए और कौन कौन से हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उन्हीं को स्टार्ट किया जाएगा 1/1 करके। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।